So today we will be starting our next chapter, that is accounting for branches. आप लोगों का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑटोनॉमस का, उसमें वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 6 ऑन कॉस्टिंग, दैट इज द मटेरियल्स। मटेरियल्स का चैप्टर हो चुका है। नाउ वी विल फोकस ऑन अकाउंटिंग पार्ट। उसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वी विल लुक एट द लास्ट, बिल्कुल लास्ट में हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म का, बिकॉज दैट रिलेट्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस इन द लास्ट। वी विल स्टार्ट ऑफ विथ एन इजी चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। ओके, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, और इसमें आपको स्पेसिफिकली दे दिया है कि फर्स्ट ईयर बीकॉम के लेवल पे आपको जो ब्रांच अकाउंटिंग सीखना है उसमें यू जस्ट हैव टू लर्न डिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस की स्टडी करनी है। इसमें हम मीनिंग ऑफ ब्रांच एंड अकाउंटिंग फॉर ब्रांच ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस में जो आपकी ब्रांच होती है उसके उसके ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस में किस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हो वो सीखेंगे। ओनली अंडर टू मेथड, देर आर वेरियस मेथड्स, एक्चुअली देर आर फोर मेथड्स, बट यहाँ पे आपको सिलेबस में दो ही मेथड्स के अंदर आपको अकाउंटिंग सीखना है, डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। सो इट्स अ स्मॉल चैप्टर एंड द प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल। वी विल स्टार्ट ऑफ विद दैट अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर बीकॉम का बुक मैं रिफर कर रहा हूँ, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस ओनली ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरे ब्रांचेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स अंडर डेटर्स मेथड सीखेंगे पहले, उसके बाद स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से भी अकाउंटिंग सीखेंगे। यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शंस कवर करने वाले हम लोग, गुड सेंट, गुड रिटर्न, इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डिस्काउंट, ब्रांच मैनेजर्स कमीशन एंड गुड्स सेंट एट अ कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। ओके, ये सभी कंसेप्ट हम जैसे जैसे सम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे ये कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी इंट्रोडक्टरी पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग? तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ओपन अप देयर यूनिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। एक काम करते हैं, इसको हम लोग हमारे जो हमारा बोर्ड है उस पर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बिजनेस द ऑर्गेनाइजेशंस ओपन देयर यूनिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, अलग अलग जगहों पे आप आपके बिजनेस यूनिट्स ओपन करते हो। इन बिजनेस यूनिट्स को कहा जाता है ब्रांचेस। ओके, इन बिजनेस यूनिट्स को कहा जाता है ब्रांचेस, और मेन ऑफिस जहां से इन सभी का ब्रांचेस सभी ब्रांचेस का काम देखा जाता है उसे कहा जाता है हेड ऑफिस। ओके, उसे कहा जाता है हेड ऑफिस। ओके, तो एज पर द कंपनीज एक्ट ब्रांच क्या होता है? ब्रांच इज एनी एस्टैब्लिशमेंट, ब्रांच इज एनी एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन आइदर द सेम और सब्सटैंशियली द सेम एक्टिविटी एज दैट कैरिड ऑन बाय द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हेड ऑफिस जो काम करती है वही काम या उसी का सिमिलर काम उसका ब्रांच भी करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जलगांव जनता सहकारी बैंक, ये एक बैंक है, सभी ने इसका नाम सुना होगा, जलगांव में इसका हेड ऑफिस है। आई होप एवरीवन हैज हर्ड ऑफ दिस बैंक। ओके, इट्स अ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन। अब ये जो बैंक है इसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है जलगांव में। ओके, जलगांव में भी स्पेसिफिकली इनका जो हेड ऑफिस सिचुएटेड है वो जलगांव में है, और वहीं पे जलगांव में ही इनके अलग अलग ब्रांचेस है, एक मार्केट यार्ड में है, एमआईडीसी में।
एक आकाशवाणी चौक के पास है, सॉरी ओके, एक रिंग रोड के पास है, जस्ट अज्यूम। फिर ये तो जलगांव के कुछ ब्रांचेस है, वैसे इनकी भुसावल में ब्रांच है, फिर डिस्ट्रिक्ट के दूसरे भी जो प्लेसेस है, जालना हो गया या दूसरे जितने भी हो गए, वहां पे इनकी छोटी छोटी ऑफिसेस है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो मेन ब्रांच जहां से पूरा काम देखे जाता है उसे हम हेड ऑफिस कहेंगे, और ये जो दूसरी जगह पे जलगांव जनता सहकारी बैंक ने ऑफिसेस खोल के रखी है, सब ब्रांचेस खोल के रखी है, इनको हम लोग कहेंगे ब्रांच। सबसे ज्यादा ये वर्ड जो है ये बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें देखने को आपको मिलता है। ओके, सबसे ज्यादा ये वर्ड आपको कहाँ देखने को मिलता है? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में। लेकिन बैंक्स को छोड़ दिया जाए कुछ देर के लिए, तो दूसरे भी बिजनेसेस में बहुत जगह पे ये वर्ड ब्रांचेस ब्रांचेस का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो ब्रांच सिस्टम पे काम करते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे दी बाटा एंड कैरोना शॉप्स, ये जूते शूज बेचने वाली शॉप्स है। आपको पता होगा कि हर एक सिटी में बाटा का शोरूम होता है। ओके, तो ये क्या है, इनकी ब्रांचेस है। ओके, दे आर इज ब्रांचेस, सेलिंग ब्रांचेस। ओके, तो ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांचेस। नाउ लेट अस मूव अहेड। ब्रांचेस कौन से टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ओके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। जब हम ब्रांच अकाउंटिंग सीखते हैं तो आपको तीन अलग अलग टाइप के ब्रांचेस आते हैं। पहला है डिपेंडेंट ब्रांचेस, मतलब ऐसी ब्रांचेस जो खुद का अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन नहीं करते, खुद का सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता, इनका पूरा अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस से होता है। ओके, ऐसे ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। सेकेंड होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होता है कि ऐसे ब्रांचेस जो अपना पूरा खुद का सेपरेट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करते हैं, ऐसे ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, पहला होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस जहां पे खुद का अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता, सेकेंड होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जहां पे खुद का अपना खुद का उनका अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ओके, और थर्ड होता है फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस क्या होती है, ऐसी ब्रांचेस जो इंडिया में लोकेटेड नहीं है, जो फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड। तो हर एक लेवल पे आपका अकाउंटिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। सबसे ज्यादा सिंपल डिपेंडेंट ब्रांचेस का अकाउंटिंग है, उसके बाद इंडिपेंडेंट, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉरेन ब्रांचेस का होता है। तो फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस है, जब आप सेकेंड या थर्ड ईयर लेवल पे अकाउंटिंग सीखोगे तब आपको इंडिपेंडेंट ब्रांचेस आएगा, और अगर आप एमकॉम करते हो उस समय आपको फॉरेन ब्रांचेस का अकाउंटिंग सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस? इस पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस ही पढ़ना है, तो वी विल ओनली डिस्कस द डिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस? ओके, डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती है, तो ऐसी ब्रांचेस जो हेड ऑफिस पे हर एक चीज के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होती है, हम कहेंगे इनको डिपेंडेंट ब्रांचेस, बिकॉज दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस फॉर एवरीथिंग। ओके, हर चीजों के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंड करती है, दे डू नॉट मेंटेन देयर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ओके, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वो लोग मेंटेन नहीं करते, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ओके, ऐसे ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस। इनके कुछ फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे। पहला फीचर है सप्लाई ऑफ गुड्स। इनको गुड सप्लाई कौन करता है? तो देखिए फर्स्ट फीचर, दे सेल द गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, दे आर नॉट अलाउड टू मेक परचेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे
एक कंपनी है, उसका मुंबई में हेड ऑफिस है। ओके, मुंबई में हेड ऑफिस है, और ये कंपनी जो है ना, लेट अस से, ये आरओ सिस्टम्स बेचती है। ओके, आरओ वाटर प्यूरिफायर ये लोग बेचते हैं, दे सेल इट। और कैसे बेचते हैं? दे सेल इट थ्रू देयर वेरियस ब्रांचेस सिचुएटेड इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो लेट अस से कि इस कंपनी का जलगांव में एक ब्रांच है। ओके, इस कंपनी का जलगांव में एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच को हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच कब कहेंगे? जब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जलगांव का ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ मुंबई ब्रांच ने, मुंबई हेड ऑफिस ने जो भी आरओ सिस्टम भेजे, ओके, कैसा होगा? देखो, मुंबई में से मुंबई का हेड ऑफिस जो है वो आरओ वाटर सिस्टम जलगांव पे भेजेंगे, और जलगांव का ब्रांच ऑफिस क्या करेगा? बस वही आरओ सिस्टम जो मुंबई से आए हैं, बस वही आरओ सिस्टम जलगांव सिटी में बेचेंगे। उनके सेल्समैन जो है वो जलगांव सिटी में अलग अलग घरों में जाके अपना अपना आरओ सिस्टम जो है वो बेचेंगे। यहाँ पे जलगांव का जो ब्रांच है वो सेपरेटली कोई भी परचेसिंग नहीं कर रहा। ओके, दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट सेंट बाय दी हेड ऑफिस। ओके, दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट सेंट बाय दी हेड ऑफिस। तो ऐसे केस में हम इनको क्या कहेंगे कि एक डिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके, दे ऐसे केस में इनको हम लोग कहेंगे कि एक डिपेंडेंट ब्रांचेस है। इसमें आगे और पढ़ते हैं, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स कैसे कर सकते हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस सेल कैसे कर सकते हैं। इनको हेड ऑफिस से जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वैसे ही वो लोग सेल कर सकते हैं। सेल करने में भी इनको कोई खुद का डिसीजन नहीं लेना। हेड ऑफिस अगर बोलेगा कि कैश में बेचो तो जलगांव का ब्रांच कैश में बेचेगा। हेड ऑफिस अगर बोलेगा कि नहीं आप क्रेडिट पे बेच सकते हो तो जलगांव का ब्रांच क्रेडिट पे बेचेगा। उनका खुद का डिसीजन वो लोग नहीं ले सकते। ओके, फिर जो उनके खर्चे होते हैं, जलगांव ब्रांच के जो एक्सपेंसेस हो गए। ओके, ये एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? तो जो भी रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि ब्रांच में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी, ब्रांच के ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वगैरह, ये सभी खर्चे मुंबई हेड ऑफिस डायरेक्टली चेक से पेमेंट करेगी। इन सभी खर्चों का ब्रांच में से कोई खर्चा नहीं होता। ओके, ब्रांच में से कोई भी खर्चा नहीं होगा, हेड ऑफिस सब खर्चा उठाएगी रेगुलर एक्सपेंसेस का। और जो पेटी एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस, जैसे कि भाई जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके क्लाइंट आपके ऑफिस में, आपके ब्रांच में कोई क्लाइंट आया, उसको आपने कोई रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दी, या कोई स्टेशनरी वगैरह लग गई आपको ब्रांच में, तो ऐसे छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हेड ऑफिस खुद नहीं करती। हर महीने कुछ पैसा जो है ये हेड ऑफिस जो है वो जलगांव ब्रांच को देती है, और जलगांव ब्रांच उस पैसों में से पेटी एक्सपेंसेस जो है वो करते हैं। ओके, ये हो गया पेटी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑफ कैश। हेड ऑफिस से उनको जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है, सब देखो, जलगांव ब्रांच ने जो भी आरओ सिस्टम्स वाटर सिस्टम्स बेचे हैं उसमें से जो भी पैसा मिलेगा वो डे टू डे बेसिस में या वीकली बेसिस में, जैसा हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा ये लोग जो है ये बैंक अकाउंट में, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। ओके, खुद के पास कैश रखना नहीं है। और हर महीने का जो भी ब्रांच का सेल हुआ है, जो डेटर्स है, जो खर्चा हुआ है, उसका पूरा रिपोर्ट ब्रांच वाले हेड ऑफिस को डायरेक्ट भेजेंगे। ओके, अकाउंटिंग ब्रांच वाले नहीं करेंगे। अकाउंटिंग कौन करेगा? अकाउंटिंग विल बी डन बाय हेड ऑफिस ओनली। ओके, तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस ने भेजे हुए गुड्स को बेचने का काम करेंगे, बाकी कोई उनका फंक्शन नहीं होता। ना वो अकाउंटिंग करते हैं, ना वो कोई भी टाइप का बुक कीपिंग करते हैं। दे वर्क सोलली ऑन द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस।
इज दिस क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया आपको डिपेंडेंट ब्रांचेस का? यहां पे कोई डाउट्स है किसी को? ओके, सो लेट अस गो अहेड. अकाउंटिंग मेथड्स. ओके, नाउ वी विल गो फॉर अकाउंटिंग मेथड्स, कि जो भी आपकी डिपेंडेंट ब्रांचेस है ओके, उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे. तो चार तरीके हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा कि देर आर फोर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस. ओके, एक है डेटर्स सिस्टम या डेटर्स मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, तीसरा है फाइनल अकाउंट मेथड, एंड चौथा है होलसेल ब्रांच मेथड. ओके, इन चारों मेथड में से इस सेमेस्टर में आपको सिर्फ दो ही मेथड्स पढ़ने हैं, डेटर्स मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. व्हाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग डिपेंडेंट ब्रांचेस. ओके, डिपेंडेंट ब्रांचेस हम लोग पढ़ रहे हैं. तो अब ये जो डेटर्स सिस्टम है, ओके, डेटर्स सिस्टम है, इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन दिस सिस्टम? तो अंडर दिस सिस्टम हेड ऑफिस ओपन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच ब्रांच कॉल्ड एज ब्रांच अकाउंट. जैसे यहाँ पे मुंबई ऑफिस जो है ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे और उसको नाम देंगे जलगांव ब्रांच. जितने भी उनके ब्रांचेस होंगे उनको इस तरीके का नाम दिया जाएगा. भुसावल में जो ब्रांच होगा उसको नाम दिया जाएगा भुसावल ब्रांच, दुल्हे में जो ब्रांच होगा उसका नाम दिया जाएगा दुल्हे ब्रांच, वगैरह वगैरह. ओके, तो हेड ऑफिस जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ब्रांच अकाउंट ऐसा ओपन करेगा, पहला पार्ट. नेक्स्ट, ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन्ड एज अ नॉमिनल इन नेचर. ब्रांच अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अब ये नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है, देखो बेटा ध्यान से, ये थ्योरेटिकल है, आपको लगेगा कि ये थ्योरी है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नॉमिनल अकाउंट कैसा होता है कि जो भी खर्चा होगा ब्रांच से रिलेटेड, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, आगे हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ेगी, लेजर भी पढ़, मैं आपको फॉर्मेट बैलेंस दिखा दूंगा लेजर का भी, लेकिन सिंपल अगर आपको याद रखना है तो नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है. मतलब सभी एक्सपेंसेस, एसेट के बैलेंसेस एंड एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस, या ठीक है थोड़ी देर के लिए एसेट भूल जाओ, हम लोग बाद में पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में. सिंपल याद रखो कि ब्रांच से रिलेटेड जो भी खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, वो डेबिट साइड पे आएंगे, और ब्रांच से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी. नॉमिनल नेचर का अकाउंट है. ओके, तो जलगांव ब्रांच में के लिए जो भी खर्चा करेगा हेड ऑफिस वो डेबिट पे जाएगा, और जलगांव ब्रांच से जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी. इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. ओके, अब थोड़ा सा हम लोग जर्नल एंट्रीज एक बार, जस्ट वी विल गो थ्रू दी जर्नल एंट्रीज, बाकी जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस. देखो मैंने पहले ही कहा था कि नॉमिनल अकाउंट का है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट नॉमिनल अकाउंट है. तो एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच, कोई भी चीज ब्रांच को जब मिल रही है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, कोई भी चीज ब्रांच से जब आ रही है अपने को तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. खर्चा हुआ ब्रांच का, ब्रांच अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. ब्रांच ने, ब्रांच को जो गुड्स हमने बेचे थे वो वापस आ गए, तो इसका उल्टा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. ओके, बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग सिस्टम है. ओके, कोई कैश अगर आपको ब्रांच से आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट. ओके, फॉर कैरिंग डाउन द बैलेंसेस एट द एंड, आखिरी के जो बैलेंसेस हो गए, तो ये जो भी ब्रांच के पास का स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, कैश होगा, सब कुछ डेबिट, और ये सब ब्रांच से हमको आ रहा है क्योंकि ब्रांच का सेपरेट तो अकाउंट है नहीं. तो ओके, नेक्स्ट,
for carrying down the balance of liabilities at the end of the branch. Liabilities के balance के लिए ऊपर का जो accounting था, assets के balance के लिए था, तो नीचे का liabilities के लिए opposite कर लेने का, branch account debit, expenses and creditors. ये ना पढ़ते हुए आप सीधा सीधा ये देखिए, branch head office का ledger account देख के आपको simple समझ में आ जाएगा. इसी पे से हमको अगर जर्नल एंट्रीज पूछी तो हम जर्नल एंट्रीज भी बना सकते हैं. मैंने जैसे कहा था कि एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड पे आएंगे. देखिए, गुड्स सेंट टू ब्रांच, खर्चा. ओके, ब्रांच बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, खर्चा. ओके, वैसे जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड पे आ रहे हैं. इसी के साथ आपने कोई सामान स्टार्टिंग में ब्रांच को भेजा होगा. ओके, कुछ फर्नीचर भेजा होगा, कुछ स्टॉक ओपनिंग बैलेंसेस जो हो गए एसेट्स के. ओके, वो भी डेबिट साइड पे आएगी. डेबिट साइड पे क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि ब्रांच के खुद के कोई अकाउंट्स नहीं है. बेटा देखो, नॉर्मल अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, ये सब रब कर देता हूं मैं. नॉर्मल अकाउंटिंग अगर आप करते हो तो आपकी ब्रांच अकाउंट में अलग अलग अकाउंट्स हो गए ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के लिए. जैसे कि स्टॉक अकाउंट होगा, फिर डेटर्स अकाउंट होगा, फिर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट होगा. ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं. आप लोग जर्नल एंट्रीज और लेजर एंट्रीज में सीखे हो. लेकिन डिपेंडेंट ब्रांचेस खुद का अकाउंटिंग नहीं करती. डिपेंडेंट ब्रांचेस खुद का अकाउंटिंग नहीं करती, उनका पूरा अकाउंटिंग हेड ऑफिस करता है. डिपेंडेंट ब्रांचेस को अकाउंट ही नहीं मेंटेन करती, इसलिए हेड ऑफिस जो है वो एक ही अकाउंट बनाती है. इतने सारे अकाउंट हेड ऑफिस नहीं बनाएंगी. हेड ऑफिस अपने बुक्स में एक ही अकाउंट बनाएगी ब्रांच का. और ये जितने भी अकाउंट की एंट्रीज है ना, अलग अलग अकाउंट की एंट्रीज, अगर आप सेपरेट बुक्स रखते हो तो सब में अलग अलग एंट्रीज करते हो. स्टॉक की एंट्री, डेटर की एंट्री, फिक्स एसेट की एंट्री, कैश आया, कैश गया, खर्चा हुआ, सब जो लेजर अकाउंट की एंट्रीज है ना, वो अलग अलग ना करते हुए हेड ऑफिस ये ब्रांच अकाउंट में ही सब एंट्री करके खत्म करेंगी. सिंपल एक ही ब्रांच अकाउंट बनेगा और उस ब्रांच अकाउंट में सभी एंट्रीज जो है वो की जाएगी. इट्स वेरी वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, दो मिनट के लिए, आपको समझ में आ जाएगा. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी यही पे लिखा है. देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज. ओपनिंग बैलेंस कौन से है? स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर्स, प्रीपेड एक्सपेंसिस, अदर एसेट्स, ये सब ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए. लाइबिलिटीज का भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया. बैंक क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके, फिर जो इनकम हो रही है वो भी क्रेडिट कर दिया है. कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. ओके, जो खर्चा हुआ है वो डेबिट कर दिया है. देखो, गुड्स सेंट टू बैंक ब्रांच, बैंक अकाउंट के एक्सपेंसेस. ओके, और साल खत्म होने पे या महीना जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है वो खत्म होने पे क्लोजिंग बैलेंसेस भी यही पे लिख दिए. ओपनिंग बैलेंस एसेट के यहाँ थे तो क्लोजिंग बैलेंस एसेट के यहाँ लिख दिए. देखो, ब्रांच के डेटर्स, ब्रांच का फर्नीचर, ब्रांच का पेटी कैश वगैरह वगैरह. और जो लायबिलिटीज यहाँ पे लिखी थी ओपनिंग की, वो लायबिलिटीज यहाँ पे क्लोज कर दी है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज. और डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिया है. क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करके जो भी अमाउंट बचता है वो आपका प्रॉफिट है, जो आप जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करोगे. बिल्कुल सिंपल, सिंगल अकाउंट एंट्री अंडर डेटर्स सिस्टम. ये कौन सा हम लोग मेथड सीख रहे हैं? डेटर्स सिस्टम. स्टॉक एंड डेटर सिस्टम नहीं. स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में थोड़ा लेजर्स अकाउंट, थोड़े अकाउंट अलग बनते हैं, लेकिन अगर आप डेटर सिस्टम यूज करते हो तो सिर्फ एक और एक, सिर्फ एक ही अकाउंट आपका बनता है. ओके, तो एक सम इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन ब्रांच ट्रांजेक्शन और ये लोडिंग के बारे में मुझे आपको बताना है. एक सम वी विल ट्राई टू सॉल्व इट टूडे. ये ब्रांच एंड स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर के अकाउंट्स है, सीखेंगे हम लोग इसको भी. ओके, ये सम हम लोग आज पढ़ेंगे. ओके, ये सब मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है. सम पढ़ लेना एक बार जल्दी से. सिल्वर लिमिटेड दिल्ली हैज ब्रांच एट मुंबई. ओके, सिल्वर लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट मुंबई टू विच गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट. ओके, गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट. कॉस्ट पे गुड्स सप्लाई किए जाते हैं.
ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर मेड बाय हेड ऑफिस, मतलब ये एक डिपेंडेंट ब्रांच है. ब्रांच रेमिट्स ऑल द कैश रिसीव्ड टू द हेड ऑफिस इमीडिएटली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2007. ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2007. इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखिए ओपनिंग 31st December, तो ये जनवरी 2007, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस आपको देखो दिए गए. ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या दिए है देखो. सबसे पहले आपको दिया है स्टॉक 125,000 का ओपनिंग, डेटर्स 60,000, पेटी कैश 2,000, गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच, ब्रांच को भेजे हुए गुड्स 6 लाख, गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच 10,000. फिर कुछ खर्चे के जो चेक्स भेजे आपने, चेक सेंड टू ब्रांच. ओके, चेक्स कौन से भेजे हैं? सैलरी, रेंट एंड पेटी कैश. और फिर है रेमिटेंसेस ऑफ द रेमिटेंसेस फ्रॉम द ब्रांच. ब्रांच से हमको क्या क्या मिला है? कैश सेल्स हुई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, स्टॉक एट, और ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एट ब्रांच एट 31st December, डेटर्स कितने हैं और पेटी कैश कितना है. ओके, मतलब ओपनिंग बैलेंस, खर्चा क्या क्या हुआ है, ओके, ब्रांच ने क्या क्या सेल किया है उसका इंफॉर्मेशन, और क्लोजिंग बैलेंस. ये तीनों चारों चीजें हमको दी गई है. और आपको ये सम जो है ये स्टॉक एंड डेटर्स नहीं, सॉरी डेटर्स सिस्टम से आपको ये सम जो है वो सॉल्व करना. ओके, तो लेट अस सॉल्व इट. यू हैव टू ओपन अ ब्रांच अकाउंट. Okay, you have to open a branch account. Let us open a branch account. छह कॉलम्स आपको ब्रांच अकाउंट के लगेंगे. Okay, you will require 6 कॉलम. पहला रहेगा डेट. आज ये सम नहीं होगा, आज हम लोग फॉर्मेट बना के रखते हैं, पर्टिक्यूलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिक्यूलर्स, अमाउंट. ओके, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और इसको क्या हेडिंग देना है वो भी हम लोग सब रेडी रखते हैं. 2 लाइंस ऊपर हेडिंग के बनाने हैं. पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. और क्या बना रहे हैं हम लोग, कौन सी ब्रांच है? देखो दिल्ली का हेड ऑफिस है और ब्रांच कहाँ पर है? मुंबई में है. तो आप लिखोगे मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 31st December 2007. मुंबई ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 31st December 2007. ओके, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बना के रेडी रखना है इस सम को. और इस पर एक और जो सम हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम इस पे सम सॉल्व करेंगे. शायद मंडे को नहीं ले पाऊंगा मैं लेक्चर, लेकिन ट्यूसडे को अगर आपके पास टाइम होता है, कोई दूसरे लेक्चर्स अगर आपके नहीं होते, तो ट्यूसडे के दिन वी विल टेक ऑफ दिस सम्स. We will start with the practical problems on branch accounting. उसमें हम लोग पहले dependent branches में जो data system है उससे सम solve करेंगे, और उसके बाद stock and data system start करेंगे. दो दो तीन तीन problems ही हम लोग लेंगे, काफ़ी easy सम है, कोई इसमें unique transactions ऐसा कुछ आता नहीं है.